आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। मूवी में किस अंदाज में नजर आएंगे जैकी श्रॉफ? क्या ये हॉरर कॉमेडी मूवी आएगी ऑडियंस को पसंद? चलिए ऑडियंस, फिर एक बार तैयार हो जाइए एक हॉरर कॉमेडी मूवी के लिए। हाँ, क्योंकि भूल भुलैया 2 के बाद ऑडियंस हॉरर कॉमेडी फिल्मों की दीवानी हो चुकी है। वैसे अब आने वाली कॉमेडी मूवी का नाम है फोन भूत। वैसे भूत से समझ आया कि इस मूवी में भूत होगा, पर फोन का क्या मतलब है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस मूवी की एक छोटी सी क्लिप अभी वायरल हो रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैकी श्रॉफ जो एक अलग अंदाज में और इस मूवी में विलन बनते हुए नजर आने वाले हैं, उनका एक फनी अंदाज भी देखने को मिला है। इस मूवी में हम देख सकते हैं कि जैकी दादा एक बिड़ू यानी कि एक साथी उनसे कह रहा है कि ये कंपनी है जिसका नाम है आत्माराम शस्त्र शक्ति सोल्स इनकॉर्पोरेटेड। तब जैकी अपने साथी को कहते हैं कि छोटे, तुझे नहीं लगता कि इसका नाम थोड़ा छोटा होना चाहिए था? तो फिर वो उसे कहते हैं कि आत्माराम का ए ले, शस्त्र शक्ति का एस ले और सोल को बस ऐसे ही रहने दे, वहीं अपन का बिजनेस है। तो फिर बनता है ए एस सोल्स। वैसे इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि ये लोग किसी गुफा में हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए कंपनी का नाम पढ़ रहे हैं और उसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। मूवी में जैकी श्रॉफ हमें आत्माओं के बिजनेस को शुरू करते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि श्रॉफ ने इस मूवी के जरिए 1 करोड़ फीस चार्ज की है। आपको बता दें कि इस मूवी में कैटरीना कैफ भूत का किरदार निभाने वाली है, तो वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर एक ऐसे मिशन पर है जहां पर उन्हें आत्माओं को मोक्ष दिलाना है। इस मूवी में हमें शीबा चड्डा भी दिखाई देंगी, जो बनी है भटकी आत्मा जिसे चाहिए मोक्ष। हम देख सकते हैं कि इस भटकी आत्मा को मोक्ष शब्द कहना नहीं आता और इसलिए कैटरीना इस भटकी आत्मा से कहती है कि तुम्हारी हिंदी वीक है क्या? मतलब इंडस्ट्री में आने के बाद काफी साल पहले जब कैटरीना की हिंदी पर इतने सवाल खड़े किए गए थे, वो दूसरों से पूछ रही है कि तुम्हारी हिंदी वीक है क्या। खैर, मजाक कर रहे हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं गुरमीत सिंह। तो भूल भुलैया 2 के बाद ऑडियंस इंतजार कर रही है ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी को देखने का। तो क्या आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।